श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर साल में सिर्फ एक बार होने वाली ठाकुर बांके बिहारी की मंगला आरती में मध्य रात्रि के बाद 2 बजे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं जिला प्रशासन द्वारा मंदिर में भीड़ का दबाव कम करने के उद्देश्य से सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश दिया गया। आरती के दौरान पूरा मंदिर परिसर ठाकुर जी के जयकारों से गुंजायमान हो रहा था। आपको बता दें कि पिछले साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंगला आरती के दौरान भीड़ का दबाव अधिक होने के चलते 2 श्रद्धालुओं की मंदिर परिसर में मौत हो गई थी, वहीं कई लोग घायल हो गए थे। पूर्व में हुई घटना को दृष्टिगत रखते हुए मंदिर प्रबंधन एवं जिला प्रशासन द्वारा इस बार मंगला आरती पर पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसके तहत मंदिर में सीमित संख्या में ही श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया, ताकि श्रद्धालुओं को साल में सिर्फ एक बार होने वाली मंगला आरती के आसानी से दर्शन हो सकें। गौरतलब है कि इस बार मंगला आरती के दर्शन करने के लिए प्रशासन द्वारा मंदिर के बाहर LED स्क्रीन लगाए जाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अदालत से आदेश न मिलने के चलते LED स्क्रीन नहीं लगाई जा सकी। लेकिन प्रशासन द्वारा वर्तमान में की गई चाक चौबंद व्यवस्था के चलते मंगला आरती पर श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। मंगला आरती शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होने पर मंदिर प्रबंधन एवं जिला प्रशासन ने राहत की सांस ली है। आज के दिन ही केवल वर्ष में एक बार होने वाली मंगला आरती के भी दर्शन होते हैं, और जिसके लिए ब्रज में यह कहावत प्रसिद्ध है कि जो करे बिहारी जी की मंगला वो कभी ना होवे कंगला। यानी जो बिहारी जी महाराज की मंगला आरती के दर्शन करता है उसके ठाकुर जी सदैव भंडार भरे रहते हैं, उस पर लक्ष्मी की धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है, और ठाकुर जी की भक्ति की भी उस पर कभी कमी नहीं होती है। वह ठाकुर जी के अध्यात्म में हमेशा अपने जीवन भर लगा रहता है। और आपको बताना चाहेंगे कि वर्ष में केवल एक ही दिन बिहारी जी महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई महोत्सव भी चलता है, जिसमें बिहारी जी महाराज के भक्त नंदोत्सव के दौरान खिलौने, बर्तन, पैसे आदि सभी बिहारी जी महाराज के भक्तों को लुटाते हैं। प्रशासन द्वारा भी बहुत सख्त व्यवस्था की गई है, जिसमें जगह जगह बैरियर करके पब्लिक को मंदिर में लिमिट के साथ प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे कि मंदिर में ज़्यादा पब्लिक इकट्ठी ना हो सके। और साथ साथ मंदिर में जैसे ही भक्त अपने आराध्य की दर्शन कर रहे हैं, उनकी झलक ले रहे हैं, उनको साथ ही साथ निकास भी कराया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भक्तों को दर्शन प्राप्त हो सके और ठाकुर जी महाराज की कृपा प्राप्त हो सके। तो पुनः आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। ठाकुर जी महाराज की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रखे। जय जय श्री राधे।